आप देख सकते हैं जो समाज के लोग हैं उनमें खुशी की लहर है। और विधायक करनाल विधानसभा से विधायक जगमोहन आनंद पहुंचे हैं, अंबेडकर जी की जो प्रतिमा है उस पर देख सकते हैं पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं, क्योंकि DSC समाज का आरक्षण को लेकर वर्गीकरण कर दिया गया है, जिसको लेकर समाज में खुशी की लहर है। और यहां पर देख सकते हैं कि जो विधायक हैं जगमोहन आनंद वो भी पहुंचे हुए हैं समाज के साथ, वो भी पुष्प अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। और बाबा भीमराव अंबेडकर के जी के प्रतिमा पर माफ कीजिएगा पुष्प अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। समाज के लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारी आप सभी से अपील, इस वीडियो को आप शेयर अवश्य करें। देख सकते हैं कि समाज के लोगों के द्वारा विधायक जी को देख सकते हैं कि एक तस्वीर भी भेंट की जा रही है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर अवश्य करें। देख सकते हैं कि जो एक तस्वीर है भीमराव अंबेडकर जी की, वो भेंट की गई है जगमोहन आनंद को, और बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर अवश्य करें। देख सकते हैं लड्डू खिलाकर मुंह मीठा किया जा रहा है, लड्डू खिलाकर मुंह मीठा किया जा रहा है समाज की ओर से। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि DSC समाज का आरक्षण को लेकर वर्गीकरण कर दिया गया है, जिसके बाद समाज के लोगों में खुशी की लहर है। और समाज के लोगों के द्वारा आज लड्डू खिलाकर सभी का मुंह मीठा किया जा रहा है। आज मैं संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर पहुंचकर समस्त DSC समाज के कार्यकर्ता साथियों के साथ उनके चरणों में वंदन किया, उनके माल्यार्पण कर करके जो इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला हुआ है, और इस समाज ने DSC समाज ने एक महत्वपूर्ण भूमिका, हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने के बाद जो रास्ता प्रशस्त हुआ है उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान इन लोगों ने दिया। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो शपथ ग्रहण का अपना दिन चुना वो भगवान वाल्मीकि जयंती जी के दिवस पर चुना, और उसी दिन उन्होंने जो ये ऐतिहासिक फैसला है जो आचार संहिता के कारण रुका हुआ था उसको लागू किया, और पूरे समाज में से खुशी की लहर है, पूरे प्रदेश में से खुशी की लहर है, और पूरे देश में ये एक प्रकार का संदेश गया है कि भाजपा जो वादा करती है वो वादा निभाती है। दूसरा बड़ा फैसला, आप यकीन मानना कि सुबह से घर पे जिन बच्चों की नौकरी लगी है कल शाम से और सुबह तक, ऐसे सैकड़ों परिवार, मैंने किसी मीडियाकर्मी को इसलिए नहीं बुलाया कि ये एक ऐसा उत्साह और खुशी का माहौल था कि उनकी निजता भी बनी रहे, मतलब ऐसे परिवारों की खुशी के आंसू थे उनके आंखों में कि एक फ्रूट बेचने वाले की लड़की जेई लगी, जूती गाँटने वाले का बच्चा जेई लगा। ऐसी नौकरियां एक परिवार में दो दो, जिन्होंने पढ़ाई करी कि बिना पढ़ाई के हमारे पास स्ट्रीट लाइट में, वो कहते हमने पढ़ाई करी और उनकी नौकरी लगी। एक तरफ विपक्ष लगातार नौकरी बेचने की बात कहता रहा चुनावों में, और हमारी सरकार आते ही एक कलम से जो मुख्यमंत्री ने कहा था कि शपथ से पहले मैं 25,000 युवाओं को नौकरी दूंगा, उसका काम किया। ये लोकप्रिय सरकार, जनहित की सरकार, जो हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने वाली सरकार, उसका एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला जो ये लिया है, उसके लिए मैं आदरणीय नायब सिंह सैनी जी को, आदरणीय मनोहर लाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद करनाल की जनता की ओर से, क्योंकि इन करनाल के साथियों ने मेरे को जनप्रतिनिधि बनाया है, मेरे ऊपर इनका आशीर्वाद रहा है, और आज जिस स्थान पर खड़ा हूँ जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, उस संविधान के तहत, उस संविधान को अपना सब कुछ मानते हुए हम लोग जल्दी सत्र शुरू होने वाला, उसमें हम शपथ लेने के लिए जाएंगे, तो आज का ये दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है। दिवाली से पहले एक साधारण परिवार के बच्चे को इस तरह नौकरी मिलना, उनके लिए तो इससे बड़ा कोई त्यौहार, कोई दिन हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, इसमें आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आकर्षण जी। मैंने आपको पहले कहा था चुनावों में, मैं लगातार चुनावों में जब जा रहा था
तो मैं सभाओं में पूछता था कि कोई ऐसा परिवार है जिसकी नौकरी लगे, वो पीछे से खड़े होकर के आवाज़ मारते थे कि हमारे बच्चे की नौकरी लगी, हमारे भतीजे की नौकरी लगी। और दिवाली पर जिनके घर में एक दीप जलेगा, एक खुशी का दीप जलेगा, जहाँ सरकारी नौकरी लेने का सपना हो गया था, जहाँ सरकारी नौकरी लेने के लिए एक बात कही जाती थी कि अगर सरकारी नौकरी लेनी है तो आपको एक विशेष समुदाय के पेट से जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन भाजपा ने अंत्योदय की भावना को आगे रखते हुए हर गरीब परिवार की माँ के पेट से जन्म लेने वाले को नौकरी देने का काम किया है। मैं नायब सिंह सैनी जी का और जो ये सारी व्यवस्था बना करके गए हैं आदरणीय मनोहर लाल जी, उनका जितना आभार प्रकट करूँ, जितना उनको धन्यवाद दूँ, वो भी कम है। डीएससी समाज से हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं आकाश। मेरे डीएससी समाज का, वाल्मीकि समाज का 18 साल पुराना सपना था, जो नायब सरकार ने इसको लागू करा, इससे बड़ी खुशी की बात समाज के अंदर कोई हो ही नहीं सकती। और जगमोहन जी हमारे साथ हर एक चीज़ में खड़े रहे, डीएससी समाज ने यहाँ पे खड़ा होकर इनको समर्थन भी दिया था और आज ये इसी स्थान पर दोबारा पहुँचे हैं। हम इनका भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जगमोहन जी हर एक व्यक्ति के साथ खड़े रहते हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसी प्रकार का, हर एक की मदद करते हैं, जैसे कि मैंने इनके साथ जुड़ के देखा। और वाल्मीकि समाज के लिए, डीएससी समाज के लिए इनके अंदर इतना प्यार है, ऐसे नेता हमारे बीच में है, हम इनका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं और आगे भी हम जगमोहन जी के साथ खड़े रहेंगे। पूरा डीएससी समाज जहाँ भी आधी रात को भी जगमोहन जी हमें याद करेंगे, आवाज़ मारेंगे, पूरा समाज भाई साहब के साथ है। और अगले इलेक्शन में भी, आने वाले जितने भी इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी के हैं, समाज को कुछ कहना चाहोगे आप? देसी